आम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। मानसबल में छापरी फरोशों ने मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इनका कहना है कि मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्हें सड़क के किनारों पर अपनी पटरियां बिछाने नहीं दे रही है। पेश है सहारा कश्मीर न्यूज की ये रिपोर्ट। मेरा नाम सर मोहम्मद अशर लारवाल हूँ। मैं कोंदाबल मानसबल का रहने वाला हूँ। हमें पिछले 10 साल या 12 सालों से मैं मानसबल में अपना रोज़गार कमाता हूँ और रोज़गार की वजह से इस वक्त हमें वो जो ज़मीन है वहाँ पे हम रहते थे। पहले हमने सीओ साहब आया था नज़ीर अहमद मीर, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप इस लैंड पे बैठो। आज उसी 5-6 साल के बाद नया सीओ साहब आया, वो कह रहा है कि आप यहाँ से निकल जाओ या मतलब ज़मीन खाली करो, हमें या दूसरा कोई ऑप्शन दे रहा है। दूसरा कह रहा है कि आप रोड पे बैठो। सर अगर हम रोड पे बैठेंगे, रोड पे कोई खुदा ना खास कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई मसला भी हो सकता है। इसकी वजह से हम यहाँ पे आए, हमने सुबह कोशिश की थी प्रोटेक्शन करने के लिए, फिर हमने सोचा कि हम गांधरबल जाएंगे डीसी साहब के पास, हम अपनी बात उस तक पहुँचाएँगे। तो हम गांधरबल आए हैं इस वक्त डीसी साहब के पास। डीसी साहब ने कहा कि हम आपको लेटर निकालेंगे उस सीओ साहब के, फिर हम देखेंगे इसमें मसला क्या है। इंशाल्लाह रहमान हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। रशीद साहब ने कहा था कि फिलहाल आप प्रोटेक्शन मत करो, आप हमारे साथ आ जाओ। वो भी आए हैं गांधरबल डीसी साहब के पास, वो भी हमारे साथ था। उन्होंने डीसी साहब से बात की, बात करने के बावजूद उन्होंने कहा कि आप नीचे बैठो, हम आपका मसला जो है वो हल करेंगे आपके साथ। लोगों का मसला है रोजगार के साथ, हमारे तकरीबन इसमें 60 फैमिली मतलब वहाँ पे गुजारा कर रहे हैं आपने, वो भी वो फैमिली है जिनके पास वही रोज़गार है, वही कमाते हैं सर, उसके अलावा उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। पहले हम पत्थरों के काम करते थे, उसकी वजह से वो खानी बंद हुई, फिर हमने कोशिश की, हम मानसबल में अपने रेडी लगा रहे थे। इस वक्त हमने डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सीओ साहब है वो वहाँ से हमें फिर निकाल रहे हैं। पहले जो हम पत्थरों के काम करते थे वो भी बंद हो गया, आज हम मानसबल में अपना रोज़गार कमा रहे हैं उस पर भी हम सर मना कर रहे हैं। हमारी 60 घरों की यही मांग है हमारे साथ इंसाफ का, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारी 60 घर जो है इनके साथ कोई रोजगारी का, इनका परिवार का कोई ख्याल रखना चाहिए। नाव हयात अहमद खान, अच्छे रोजान कोंदबल मानसबल, अच्छे रेडी मानसबल, अच्छे रोजगार कमावान, अच्छे सीओ सो वनान तुम नीरू तुम बिहू रोडस पे, क्योंकि रोडस पे हेको ना बिहित, तथा प्रॉब्लम गाड़ियन हिंस, अगर बच्चे यिन तोर तत एक्सीडेंट गस सु खस दुकानदारन, तो अछ वना गवर्नमेंटस डीसी साहबस सो रोजगार तलाश कर, छ वना यते छ तो ये छ बे बुथिस पेट ये नेरियो यत नेरियो, क्योंकि यत यत वास बेयो के, तो तमेजी दस वने तम दबुन अस तो बे वाइट पेट बदम तय वाइट पेट जाय असस कर एसएचओ साहबस ते फोन आरएनबीएस ते फोन, तो मतलब दब रोडस पेट नस हको नस दम दमो न बेत कहन तत् मुतल वन अमिस दियो काकुत अमिस दब दब ना बह हको काकुत दी कहें अत दब कि रोज सैट लैंड सिल्कियत लैंड गए तकरीबन गई मे तक गई 10-20 वरी एक बजर्ग अमिस गई 7-8 वरी 7-8 वरी मे गई 20 वरी तथा बिहित, क्योंकि वनस मे वही वनान तु नीर नबर, क्योंकि किराय तरान तथा रोपये जस रुपये भरान जस भरान त्रे सा भरान, क्योंकि वनस सीओ सोब तु नीरू ये नाइनसाफी सख्त सतावान तथा
और ये वन सह दपा तुम नीरू तुम बिहू रोडस पे।